it's Priyanka and you're watching Organizopedia. In today's video, I'm going to share 5 DIY home decor ideas. और ये जो होम डेकोर आइडियाज हैं ये पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड है। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने जो भी रेप्लिका एक इमेज थी उसको एक इजियर वर्जन में कन्वर्ट करने का ट्राई करा है ताकि आप सभी लोग उस पर अडैप्ट कर पाए एंड ऑल ऑफ दीज आइडियाज आर वेरी बजट फ्रेंडली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So this first DIY is inspired by macrame tapestry pocket जिसमें कि macrame thread use करते हैं और इसमें हम macrame notes create करते हैं। For this you need a basket, needle, thread, a pair of scissors और हम instead of macrame thread we are using this crochet वाला जो पुराना एक जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ख़राब भी हो रखा है तो ये मैंने अपनी मम्मी से लिया है। एक टेबल कवर है जो कि पुराने टाइम में बहुत मिल जाता था एंड फॉर डेकोरेशन सम tassels। तो सबसे पहले आपकी जो बास्केट है उसको किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर रख लेना है। अब जो भी आपका ये क्रोशे से बना हुआ जो मेरे पास में ये ऑलरेडी एक टेबल कवर था मैंने उसको यूज़ करा है। अगर आपके पास में टेबल कवर नहीं भी है तो भी आप क्रोशे से बने हुए ब्रॉड लेसेस यूज़ कर सकते हैं। अब इस बास्केट को हम अपसाइड डाउन फ्लिप कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको हम टाइटली टाई कर देंगे विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एंड नीडल और जो एक्स्ट्रा क्लोथ होगा उसको कट करके जैसे मैं यहाँ पर अभी इसको फोल्ड कर रही हूँ एग्जैक्टली आप उसको वैसे ही थ्रेड और निडल की हेल्प से पीछे की तरफ फोल्ड कर दें ताकि जो क्लोथ है एक्स्ट्रा वो बिल्कुल भी विजिबल ना हो। एंड हियर दिस पार्ट इज ऑप्शनल इफ यू लाइक फॉर मोर डेकोरेशन यू कैन ऐड टैसल। तो इस तरीके से मैंने बास्केट्स के अंदर जो होल्स होते हैं उसके थ्रू ही टैसल को इंसर्ट करके उसको अंदर से ही एक नॉट लगा दिया था। एंड फॉर हैंगिंग यू नीड टू क्रिएट समथिंग जिससे कि आप उसे हैंग कर पाएं। सो हेयर आई हैव यूज्ड दिस थ्रेड एंड दिस इज हाउ वी कैन मेक दिस DIY प्लांट हैंगर एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी एंड ब्यूटिफुल। सो ऐसे मैंने एक डोर के ऊपर इसको हैंग कर दिया है और मैंने यहाँ पर कुछ फेक प्लांट लगाए हैं ताकि उसको थोड़ा वॉल्यूम मिल जाए एंड अलॉन्ग विद दैट आई केप्ट सम ओरिजिनल पोथोस ऑल्सो and overall it was looking very nice. Nowadays these kind of hanging planters are very much in trend but instead of hanging them I thought to give it a twist and keep it on table. For this you need embroidery frames. तो मैंने यहाँ पर दो साइज के फ्रेम लिए हैं। This one is of 6 inches and the smaller one is of 4 inches. Thread and a pair of scissors. तो जब भी ये एम्ब्रॉयडरी फ्रेम्स जब मार्केट से लाते हैं तो वो इस स्टेट पर आता है तो मैं इन दोनों फ्रेम्स को अलग अलग कर लूँगी और जो मेरा आउटर साइड वाला जो फ्रेम है उसमें एक स्क्रू दिया हुआ है जिसको मैं पूरी तरीके से टाइट कर दूंगी ताकि जो इनर फ्रेम और जो आउटर फ्रेम है उन दोनों का साइज ऑलमोस्ट एक सा हो जाए। सो दिस इज हाउ आई वॉन्ट टू कीप द स्मॉलर फ्रेम इन बिटवीन द टू बिगर वन। सो अब मैं इन दोनों फ्रेम्स में थ्रेड की हेल्प से टाइटली उसको टाई करके वहाँ नोट लगा दूंगी ताकि वो अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए एंड आई एम गोना रिपीट द सेम प्रोसेस एट द अदर साइड ऑफ द फ्रेम ऑल्सो ताकि एक अच्छी तरीके से जो प्लांट हम यहाँ पर रखेंगे वो उसको अच्छी तरीके से होल्ड कर पाए। एंड एट लास्ट हम थोड़ा सा थ्रेड लेकर जो हमारा सबसे ऊपर वाला पोर्शन है हम उसको भी अच्छी तरीके से थ्रेड की हेल्प से उसको टाइटली नोट करके टाई कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं वो आप सीजर की हेल्प से उसे कट कर दीजिए। एज वी वॉन्टेड टू क्रिएट अ हैंगिंग प्लांटर सो फॉर दैट आई हैव टेकन दिस लॉन्ग रोप और मैं यहाँ पर एक कीरिंग ले रही हूँ ताकि जब भी हम इसको नेल पर हैंग करें तो जो कीरिंग है वो अच्छे तरीके से वहाँ पर जा करके फिक्स हो पाए। और जो इस थ्रेड का जो लास्ट वाला साइड है वो मैंने फ्रेम के जो अपर पोर्शन था वहाँ पर उसको अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया और एक टाइट नोट वहाँ पर मैं लगा दूंगी ताकि वो अपनी जगह से डिस्प्लेस बिल्कुल भी ना हो। एंड क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ पर मैक्रोमे का इफेक्ट देना चाहते हैं तो मैं 2-2 इंचेस के गैप में यहाँ नोट्स क्रिएट करूँगी ताकि देखने में वो एक इल्यूजन क्रिएट हो कि हमने यहाँ पर किसी भी तरीके का जो है वो मैक्रोमे नोट लगाया हुआ है। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो मैं यहाँ पर एक प्लेट रख दूंगी ताकि जिसके ऊपर हम आराम से जो भी हमारा प्लांट है उसको हम यहाँ पर रख पाएं। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स जब मैंने इसको अपने कर्टन रॉड के साथ में हैंग कर दिया।
बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा तब लगा जब मैंने इसमें से जो हैंगिंग वाला पोर्शन था उसको रिमूव करके इसको टेबल टॉप के ऊपर रख दिया. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको अपनी टीवी यूनिट के ऊपर रखा है. यू कैन कीप इट एनी वे यू वॉन्ट टू एज इफ़ यू लाइक यू कैन कीप इट जस्ट अलॉन्ग साइड योर सोफ़ा या आपके बेड साइड टेबल पर रख सकते हैं एंड इट लुक्स वेरी वेरी क्लासी एंड प्रिटी. These kind of baskets or planters are very much in fashion these days. चाहे Amazon हो या Pinterest हो आपको ये हर जगह देखने को मिलेगा. And at the same time ये बहुत ही expensive भी होती हैं. So I thought why not to create something like this जो कि budget में हो. So for that you need an old bucket और आपको पतली वाली जो सुतली होती है जो जूट स्ट्रिंग होती है उसकी जगह पर आपको इतना मोटा वाला रस्सा लेना है. जब आप हार्डवेयर शॉप में जाएंगे तो आपको उसे बोलना है कि मुझे नारियल वाली रस्सी दे दीजिए जिसको कि हम चारपाई बुनने में यूज़ करते हैं. एंड देन मैंने उसको ग्लूगन की हेल्प से उस बकेट को पूरा कवर कर दिया है इस नारियल वाली रस्सी से. And to give it a twist, I'm going to use these laces. So, ये again जो है वो क्रोशिये से बने हुए laces हैं जो कि आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप में बहुत आराम से मिल जाएगा. This is not a crochet lace. तो ये वाली तो बहुत ही सस्ती आती है, इतनी महंगी भी नहीं होती हैं और इनमें जो प्रिटी से ये जो डिज़ाइन होते हैं नीचे की तरफ में वो बहुत सुंदर लगेंगे अगर आप इस तरीके का कुछ अपनी बास्केट को कवर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. इस तरीके के जो कॉटन नेट वाले जो लेसेस होते हैं वो भी मार्केट में मिल जाते हैं और ये भी उतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं. तो आप चाहें इनमें से किसी भी तरीके की लेस यूज़ कर सकते हैं अपनी इन बास्केट्स को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए. सो नाउ हेयर इज़ द बास्केट एंड विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन जो भी लेस मुझे अच्छी लगेगी वो यहाँ पर मैं लगा दूंगी. फर्स्ट आई चोज टू गो विद द ब्रॉड वन. देन आई थॉट कि ये जो जिसमें नीचे की तरफ थोड़ा सा डिज़ाइन आ रहा है, थोड़ी सी जो किनारी आ रही है वो ज़्यादा प्रिटी लगेगी. सो आई गो विद दिस वन. और क्योंकि ये लेस मेरे पास में ज़्यादा थी नहीं सो मैंने इसको फ्रंट में लगाया है और बैक साइड में वो उतना दिखेगा भी नहीं तो मैंने बैक साइड छोड़ दिया है. एंड हेयर आई एम गोइंग टू एड सम टैसल्स. अगेन मैंने यहाँ पर ग्लूगन की हेल्प से उन टैसल्स को लेस के नीचे छुपा दिया है और वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगा था. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. थोड़ा सा हटके है, अलग है और सिर्फ हमने यहाँ पर जूट स्ट्रिंग जो है वो बकेट के अक्रॉस नहीं लगा दिया है, हमने थोड़ा सा लेस के साथ में उसको और डिटेलिंग दी है, थोड़ा सा ट्विस्ट करा है तो वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग गया था. एंड दिस ब्राउन एंड वाइट बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर वेरी वेल. This is my favorite. When I first saw it on Pinterest, I was in love with it and I was like, मुझे तो ये बनाना है. But mason jar का जो cover इन्होंने create करा हुआ है with the help of crochet. मुझे तो crochet चलाना आता नहीं है so मैंने एक जुगाड़ लगाया. वो ये था कि जो मेरा बचा हुआ table mat है उसको ही मैं cut कर लेती हूँ अपने waist के size का. And then with the help of glue gun, मैंने उसको tightly अच्छी तरीके से fix कर दिया ताकि कुछ wrinkles ना पड़े और वो देखने में उतना ugly ना लगे. And this was very easy, just in 5 minutes मैंने इसको बना लिया. और as I told you कि ये मेरा favorite था and this is why it was my favorite, क्योंकि white and green एक दूसरे को इतना beautifully complement कर रहा था. एंड इन द सेम वे मेरे पास में एक जैम की बॉटल पड़ी हुई थी जिसको मैंने नेक तक उस लेस की हेल्प से कवर कर दिया. जो भी बचा हुआ लेफ्ट ओवर था उस क्लोथ का मैंने उसकी हेल्प से उसको नेक तक कवर कर दिया और बहुत बहुत सुंदर लग रहा था. व्हेन आई केप्ट इट अलोंग विद द बिग वेस्ट ये एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. कॉमेंट्स करिएगा अगर आपको भी ये वाला DIY सबसे आसान और अच्छा लगा है तो. सो यहाँ पर ये जो वॉल हैंगिंग है वो एक वुडन ब्रांच के ऊपर बनाया हुआ है बट मेरे पास में ऐसा एक एल्यूमिनियम फ्रेम पड़ा था. मैंने कुछ वूल लिया एंड ऑल यू नीड इज़ अ पेयर ऑफ सीजर ताकि वो आप उसको आराम से कट कर पाएँ. सो सबसे पहले ये जो मेरा मस्टर्ड वाला जो वूल था उसको मैंने उसके जो है मैंने 4 स्ट्रैंड लिए हैं 56 इंचेस के एंड देन उसको मैंने डबल कर दिया है. अब मैं ये जो मेरा एल्यूमिनियम फ्रेम था इस फ्रेम के अंदर में से ये जो मैंने डबल करे हुए जो मेरे वूल के मस्टर्ड कलर का जो वूल है उसको मैं पास करूंगी
एंड देन यू नीड टू क्रिएट अ लूप और उसमें से जो आपका रिमेनिंग थ्रेड है उसको पास कर दीजिए ताकि आपको एक जो लूप है वो क्रिएट हो पाए. इसी तरीके से आप चाहें जितनी भी आप उसकी लेंथ रखना चाहें आप उसको उतना बड़ा रख सकते हैं और एंड इन द सेम वे आपको जितना भी उसे ब्रॉड चाहिए आप उतने ज़्यादा नंबर ऑफ यहाँ पर लूप्स क्रिएट कर सकते हैं. लाइक मैंने ये येलो वाले के आराम से 8 से 10 जो लूप्स हैं वो क्रिएट करें ताकि वो बीच में, क्योंकि मैं इसे सेंटर में रखने वाली थी, ताकि वो थोड़ा सा ब्रॉड लगे. और दिस वॉज द मेन कलर. इसके अक्रॉस में ऐसे ही सिमिलर वे में वाइट एंड ब्लैक के साथ में इस वॉल हैंगिंग को कम्प्लीट कर दूंगी. एंड ये जो एल्यूमिनियम फ्रेम है ये आपको किसी भी तरीके की स्टेशनरी शॉप या फिर किसी भी क्राफ्ट शॉप में आपको आराम से मिल जाएगा. इसके लिए आपको इधर उधर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड वन मोर थिंग, अगर आप इसको इस तरीके से किसी वॉल के ऊपर नेल पर हैंग कर देते हैं तो ये प्रोसेस और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और ईजी हो जाएगा. डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए. सो हैज़ यू कैन सी, मैंने जो मेरा मस्टर्ड कलर वाला जो पोर्शन था उसको काफ़ी ब्रॉड रखा हुआ है और वो वाला जो पार्ट है वो कम्प्लीट हो गया है. मैंने सेम वे में लेफ्ट एंड राइट सबसे पहले वाइट कलर से क्रिएट करूँगी हुक और उसके बाद में ब्लैक एंड वाइट अगैन. Sky is blue and the air is warm. When I see your smile, it will welcome me home. Sailing to you, I'm sailing to you. You have to create a V pattern, so उसको मैं V pattern में cut कर दूंगी. उसके लिए आप किसी book की help ले सकते हैं and if you are a pro तो आप उसको आराम से जिस तरीके से अभी मैं कर रही हूँ आप उसको V shape में cut कर लीजिए. Now जहाँ से हम इसे hang करने वाले हैं यहाँ पर उसको मैं जो मेरा बचा हुआ जो wool है उसकी help से मैं उसको वहाँ tie कर दूंगी ताकि जब इसको आप wall पर किसी nail के ऊपर hang करें तो वो slip ना करे, क्योंकि wool होगा तो वो उतना ज़्यादा slippery नहीं होगा. And this is how I kept this इन वन ऑफ माई लिविंग रूम वॉल्स, जो कि ये जो ब्रिक वाली जो पैटर्न वाली जो वॉल है उसके ऊपर मैंने उसको हैंग कर दिया एंड इट वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी. सो आई रियली होप कि आपको आज के ये जो ईजी DIY होम डेकोर आइडियाज थे वो अच्छे लगे होंगे, बहुत ही बजट फ्रेंडली थे. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन हैप्पी डेकोरेटिंग एंड बाय बाय.